तो हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएडएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे अल्नाबोल के ओसिफिकेशन के बारे में। सो गाइस, अल्नाबोल के ओसिफिकेशन में हम देखें तो अल्नाबोल का ओसिफिकेशन किस तरह से होता है। तो अल्नाबोल के ओसिफिकेशन में इसका जो साफ एंड इसका जो अपर एंड मोस्ट ऑफ अपर एंड रहेगा वो ओसिफाइज होगा प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर में, जो अपियर होगा 8 वीक ऑफ इंटरयूटरिन लाइफ। एंड हमारा अपर एंड में जो ओलेक्रन प्रोसेस रहेगा, इसका जो अपर पार्ट रहेगा वो ओसिफाइज होगा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर में, और वो इसका सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर अपियर होगा ड्यूरिंग द 10th ईयर। और वो एक पूरा अपर एपिफाइसिस बनाएगा जो साफ के साथ फ्यूज होगा अबाउट 16 ईयर में। और ये जो अपर एपिफाइसिस बनेगा वो एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। एंड हमारे लोअर एंड के लिए भी एक सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है। सो आपको पता ही है कि हमारे लोअर एंड में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक हेड एंड स्टाइलोइड प्रोसेस। इसके लिए भी एक सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर रहेगा जो अपियर होगा 5th ईयर में एंड फ्यूज होगा साफ के साथ अबाउट 18 ईयर। सो इस तरह से हमारा जो अल्ना होता है, अल्ना का पूरा ओसिफिकेशन होता है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइज़।